बेटा आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है मनी। क्या पढ़ना है? मनी। जो भी कोई चीज हम खरीदते उसके लिए क्या होना चाहिए हमें? मनी। क्या होना चाहिए? पैसा। कौन देते हैं हमें पैसा? हाँ, एजिया देती है हमें पैसा। हाँ, उसके लिए हम क्या करते हैं? हम मनी से क्या खरीदते हैं? क्या खरीदते हैं? वेरी गुड, आइसक्रीम खरीदते हैं, पिज्जा खरीदते हैं या बर्गर खरीदते हैं। वो सारा हम कहाँ से, किससे लाते हैं? दुकानदार के पास जाते हैं, वो हमें क्या देता है? मनी के बदले हमें क्या देता है? आइसक्रीम देता है। तो मनी जो होता है वो दो फॉर्म्स में आता है। एक होते हैं कॉइन्स। क्या होते हैं? कॉइन्स। जैसे एक रुपए का कॉइन, जैसे दो रुपए का कॉइन, जैसे 5 रुपीज का कॉइन, जैसे 10 रुपीज का कॉइन, और हमारे पास होते हैं नोट्स। क्या होते हैं? नोट्स। 5 रुपीज का नोट होता है, 10 रुपीज का नोट होता है। आपको ज्यादा अच्छा कौन लगता है, कॉइन की नोट्स कौन लगता है? कॉइन। कॉइन। अच्छा, आप जब ये चीज से मांगते हो पैसा तो कौन मांगते हो? कॉइन की नोट। एक रुपए का नोट यही अच्छा है। 10 रुपए आपको अच्छे लगेगे कि 1 रुपए आपको अच्छा रहेगा? एक ही रुपए। अच्छा, 5 रुपीज आपको अच्छे लगेगे कि 2000 रुपीज? 5 रुपीज क्यों? आपको ज्यादा किस में आएगा, 10 रुपीज में कि 20 रुपीज में? 10 रुपीज में। वेरी गुड, आपको 20 रुपीज में ज्यादा आएगा। अगर आपके 10 पास 10 रुपीज हैं और 20 रुपीज हैं, आपको ज्यादा किस में आएगा? तो कल आप ये सारा याद करके लाना, मैं आपको सुनाऊंगा। हाँ।